उम्मीद थी पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपेगी? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, हम लोग उम्मीद करते भी नहीं है। सर, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पीछे की कतार के व्यक्तियों को भी आगे लाकर बिठा देती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? यही हमारे पार्टी की विशेषता है कि कार्यकर्ता को वो तरासती है, उसको काम देती है, फिर मूल्यांकन करती है और उसके बाद फिर उनको और आगे बढ़ने, उसके लिए कई सेक्टरों में जो काम पिछले वर्षों में शुरू हुए हैं और उसके कारण मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटा है, तो इसका मतलब कि हमारी दिशा सही है। मध्य प्रदेश जो बहुत ही नीचे से बदहाली के कगार पे था, आपने आशीर्वाद दिया और आज मध्य प्रदेश विकासशील राज्यों की श्रेणी में नंबर एक पर है। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राजेंद्र शुक्ला जी, उप मुख्यमंत्री जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको उम्मीद थी पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपेगी? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, हम लोग उम्मीद करते भी नहीं है, ये भरोसा रखते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसका मूल्यांकन जब होगा और जब समय आएगा तो जिम्मेदारी मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे, जो पूर्व में घोषणाएं की गई, पूर्व में जो योजनाएं लाई गई, वो यथावत चलेंगी आगे? बिल्कुल चलेंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन योजनाओं से जनता का लाभ हो रहा है, हम लोग तो इसीलिए सरकार बनाते हैं कि जनता के कल्याण के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनको सहायता के लिए जो कुछ भी कर सकें सरकार का सदुपयोग करें और जनता के चेहरे में मुस्कान लाएं। सर, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पीछे की कतार के व्यक्तियों को भी आगे लाकर बिठा देती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? यही हमारे पार्टी की विशेषता है कि कार्यकर्ता को वो तरासती है, उसको काम देती है, फिर मूल्यांकन करती है और उसके बाद फिर उनको और आगे बढ़ने का मौका देती है। ये हमारे पार्टी की एक तरीका है, परंपरा है, जिसके तहत आपने देखा होगा कि आज राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो बड़े नेता हैं वो इसी प्रकार से आगे बढ़ाए गए हैं। सर, बतौर उप मुख्यमंत्री आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी की? बहुत ही स्पष्ट रणनीति है, इस मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनने का, उसके लिए कई सेक्टरों में जो काम पिछले वर्षों में शुरू हुए हैं और उसके कारण मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटा है, तो इसका मतलब कि हमारी दिशा सही है और जनता ने जो जनादेश दिया 18 वर्षों के शासन के बाद, वो ये प्रमाण पत्र है कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, उसी दिशा में और काम करते हुए मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का बेहतर राज्य बनाने का जो मिशन है हमारा, उसको हम पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे? मध्य प्रदेश की जनता को मैं दोनों हाथ जोड़ के और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मध्य प्रदेश जो बहुत ही नीचे से बदहाली के कगार पे था, आपने आशीर्वाद दिया और आज मध्य प्रदेश विकासशील राज्यों की श्रेणी में नंबर एक पर है। फिर से आपने आशीर्वाद दिया है इसको सबसे विकसित राज्य बनाने का, तो मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूँ और उनको आश्वस्त करता हूँ कि जो आपका भरोसा है उसको हम लोग टूटने नहीं देंगे। तो ये थे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, जिन्होंने प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया है कि आपका भरोसा हम टूटने नहीं देंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।